सो हे गाइस, वेलकम टू टेक एफएक्यू चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर में जो ऐप डाउनलोड पेंडिंग इशू है उसको कैसे ठीक कर सकते हो। गाइस, हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। और गाइस, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हमें या तो कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है या फिर अपडेट करनी पड़ती है, मतलब ज़रूरत के समय ही ये प्रॉब्लम आती है। और गाइस, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ये क्यों होती है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। गाइस, ये है मेरे पास पोको F1। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे को इसी स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आ रही है जो कि ऐप डाउनलोड पेंडिंग इशू था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं जाऊँ सेटिंग्स में, माई ऐप्स में, तो मैं अगर कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो एक्चुअल में वो होती नहीं है, सिर्फ ऐसे राउंड राउंड घूमती रहती है लेकिन होती नहीं है ऐप डाउनलोड। गाइस, शायद आपके स्मार्टफोन में भी यही प्रॉब्लम अभी आ रही होगी। तो इसको हमें देखना है कि हम इसको एक्चुअल में ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर की कुछ बेसिक सेटिंग्स को जानना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस। अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपके लिए ये फंक्शन ज़रूरी है। इसमें आपको ओवर एनी नेटवर्क करना है। अगर ओवर वाईफाई ओनली है तो इसको ओवर एनी नेटवर्क कर दीजिए, जिससे आप अगर वाईफाई यूज़ करते हो या फिर अपने फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सको। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन सेम है, अगर आप ऐप को अपडेट कर रहे हो तो भी आपको ओवर एनी नेटवर्क करना हो, जिससे आपको जो है वाईफाई के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा आपको थर्ड जो बेसिक सेटिंग है वो चेक करने है कि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड हो, वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। इसको टैप करने से आपको पता लग जाएगा कि लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, गूगल प्ले स्टोर इज़ अप टू डेट। इससे कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है लेकिन कभी कभार नहीं होती। जैसे मेरे फ़ोन में है, मेरे फ़ोन में प्ले स्टोर वर्जन अपडेटेड है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी आपको एक्सटर्नल ऐप यूज़ नहीं करना, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं करना। सिंपली आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग्स में। आपको यहाँ पे ऐप दिख रहा होगा और गाइज, अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग यूज़र इंटरफेस होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो ऐप किधर है। ऐप्स में आप मैनेज ऐप्स में जाइए। मैनेज ऐप्स में आप गूगल प्ले स्टोर सर्च कीजिए। गूगल प्ले स्टोर आ गया है आपके सामने, ऐसी ही स्क्रीन आ जाएगी। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्टोरेज में जाइए या फिर क्लियर डाटा का ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। और गाइस, आपको सबसे पहले क्लियर कैच डिलीट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लियर कैच मैं कर देता हूँ। और गाइस, अब आपके मन में सवाल आएगा कि कैच क्या होती है। तो गाइस, कैच मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई ऐप या फिर कोई वेबसाइट यूज़ करते हो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में सेव करनी होती है जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है, और उसी को कैच फाइल कहते हैं। और गाइस, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो इमेज की फॉर्म में या फिर डाटा की फॉर्म में हो सकती है, उसी को कैच फाइल कहते हैं। और गाइस, जब वो कैच फाइल अपने आप करप्ट हो जाती है तो आपको ऐप या वेबसाइट में कुछ बग्स देखने को मिलते हैं, जैसा अभी इस ऐप में हो रहा है। और उस कैच फाइल के करप्ट होने के बाद आपका मेन डाटा भी करप्ट हो जाता है। इसलिए गाइस, ये ज़रूरी है कि हम ऐप से जो है क्लियर डाटा करें। और गाइस, अब मैं क्लियर कैच कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे करना है क्लियर डाटा। और गाइस, क्लियर डाटा करने के बाद आपको जाना है अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन के बाद आप अपने जितनी भी रनिंग ऐप्स है सबको क्लीन कर दीजिए। अगर प्ले स्टोर ऐप चल रहा है तो उसको भी क्लीन कर दीजिए। गाइस, आप सिंपली जाइए प्ले स्टोर में और उस ऐप के पास जाइए जो आपको डाउनलोड या फिर अपडेट करनी थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मुझे एंड्रॉयड सिस्टम वेबव्यू जो है अपडेट करना था, और मैं इसको अपडेट पे क्लिक करने के बाद चेक करता हूँ कि एक्चुअल में ये डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब डाउनलोड होना शुरू हो गया है जो कि पहले नहीं हो रहा था, और आपके भी प्रॉब्लम इसी तरह जो है सॉल्व हो जाएगी, 100% सॉल्व हो जाएगी और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल में डाउनलोड हो रहा है और इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। और गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।